नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आयुष्मान कार्ड के बारे में। दोस्तों अगर आप भी अपना आयुष्मान कार्ड घर बैठे बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपना मोबाइल फोन से दोस्तों बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आयुष्मान कार्ड का दोस्तों एक और यहाँ पर न्यू ऐप मोबाइल ऐप दोस्तों यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों आप उस ऐप में अपना यहाँ पर पूरे गाँव का आप यहाँ पर या अपना खुद का आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, अपना आयुष्मान कार्ड में एड मेंबर कर सकते हैं, अपना लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं और अपना आधार कार्ड यहाँ पर आयुष्मान कार्ड में आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं, अपना आयुष्मान कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, अपना आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस यहाँ पर पीएमजे ऐप यहाँ पर आयुष्मान कार्ड का एक न्यू पीएमजे ऐप में दोस्तों यहाँ सब सर्विस यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इस सर्विस को कैसे यूज करना है, कैसे यहाँ पर कौन सा पीएमजे ऐप है, कैसे इंस्टॉल करना है, सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाया जाए। तो आप वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश और आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलखुश यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल जो बेल आइकन है उसे भी यहाँ पर ऑल प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों इसका हमारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आयुष्मान कार्ड का न्यू पीएमजे ऐप इंस्टॉल करने के लिए और इंस्टॉल करने के बाद उसमें किस प्रकार से आयुष्मान कार्ड अप्लाई करना है, डाउनलोड करना है, एड मेंबर करना है और किस प्रकार से आपको ये सब सारा काम करना है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना पीएमजे ऐप इंस्टॉल करना होगा न्यू वाला। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन का प्ले स्टोर अप्लीकेशन ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने बाद आपको यहाँ पर एक सर्च का आइकन शो करता है, यहाँ पर देख सकते हैं। आपको क्या करना है, इस सर्च आइकन पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको टाइप कर देना आयुष्मान भारत, ये आपको टाइप करके सर्च कर देना है। सर्च करने बाद यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट में जो पहले का आयुष्मान भारत योजना एप्लीकेशन है वो शो करेगा। आपको न्यू वाला इंस्टॉल करना है तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आप जैसे ही आइएगा यहाँ पर देखते हैं आयुष्मान ऐप, इस वाले पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने बाद आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर देखते हैं आयुष्मान ऐप लिखा होगा, यहाँ पर नेशनल हेल्थ ऑथोराइज और इसका लोगो भी आप देख सकते हैं इस तरह का है, आप यहाँ पर देख लेना है। इंस्टॉल आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन पर क्लिक कीजिएगा। ओपन पे क्लिक करने में मेरा यहाँ पर पहले से लॉगिन था, हम इसको ओके कर देते हैं, मेरा यहाँ पर सीजन एक्सपायर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर देखते अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान, यहाँ पर देख सकते हैं 5 लाख का मुफ्त इलाज। अब आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक सेलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन है तो इस पर क्लिक करके अपना लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका कौन सा लैंग्वेज है, लैंग्वेज जैसे हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। फिर आपको लॉगिन वाले पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने बाद यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक लॉगिन एज में यहाँ पर बेनिफिशियरी ऑपरेटर, अगर आप ऑपरेटर सेलेक्ट करते हैं मोबाइल नंबर डाल कर वेरीफाई करते हैं तो आपका यहाँ पर क्या करता है, आपका यहाँ पर ऑपरेटर अभी लॉगिन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बेनिफिशियरी पर क्लिक कर देना है। जैसे बेनिफिशियरी पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर फिल कर चुके। फिर आपको वेरीफाई वाले पे क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह का प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट यहाँ पर देखते हैं, ओटीपी आपके मोबाइल पर सेंड हो चुका है या आपको यहाँ पर इंटर ओटीपी जगह पर आपको अपना ओटीपी फिल कर देना है। जो आपके फ़ोन पर ओटीपी आएगा ओटीपी आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटर ओटीपी बिना वो आपको फिल कर देना है। तो हम यहाँ पर वेट करते हैं जब तक मेरा ओटीपी मेरे मोबाइल पर आ नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं अभी तक मेरे मोबाइल पर ओटीपी नहीं आया, तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है, यहाँ पर हम ओटीपी फिल कर दिए। फिर आपको नीचे ये कैप्चा शो करेगा, आपको ये कैप्चा आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पर हम आपको सही से कैप्चा फिल कर देना है, यहाँ पर कि देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैप्चा फिल कर चुके हैं। फिर आपको नीचे यहाँ पर एक लॉगिन का आइकन शो होगा, इस पर आप क्लिक नहीं करना, आपको यहाँ पर जो एरो शो करा इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर लॉगिन यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं। तो आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करने बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट इस तरह का शो करेगा। तो आपको क्या करना है, वेट करने पर देखते हैं सर्च फॉर बेनिफिशियरी, यहाँ पर देखते हैं ये भी 20 पोर्टल है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टेट पे क्लिक करके आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर अभी 7 स्टेट ही दिया गया है तो आपको अपना यहाँ पर 8 स्टेट दिया गया है, तो अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट लिखाएगा। फिर आपको स्क्रीन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर पीएमजेएवाई सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर सर्च बाय फिर क्लिक करके यहाँ पर अपना फैमिली आईडी, आधार नंबर, नाम और लोकेशन से अपना यहाँ पर अपना लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। पर हम फैमिली आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम पर क्लिक करके आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना फैमिली आईडी डालकर सर्च पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर फैमिली आईडी डाल के सर्च पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम फैमिली आईडी डाल के सर्च किए थे, यहाँ पर नीचे हम आते हैं, यहाँ पर देखते हैं
उसका यहाँ पर देखते हैं फैमिली आईडी शो कर रहा है यहाँ पर देखते हैं, जिसका यहाँ पर कार्ड पेंडिंग है पेंडिंग शो कर रहा है, जिसका यहाँ पर देखते हैं अभी नहीं बना आइडेंटिटी आइडेंटिफाई शो कर रहा है, आप इसका बना सकते हैं पर देख सकते हैं, और जिसका पेंडिंग है उसका भी पेंडिंग भी शो कर रहा है। जैसे हम इसका पर इस पर क्लिक करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं पर देखते हैं उसका यहाँ पर ऑथिकेशन ऑथिकेट करने का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर देखते हैं। आप ओटीपी फिंगर आयरिज फेस स्कैन से आप कर सकते हैं, जैसे हम ओटीपी सेलेक्ट करते हैं तो उसका आधार नंबर शो हो जाएगा, फिर वेरीफाई करते हैं तो उसके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा इस तरह का देख सकते हैं। आपको यहाँ पर कंसेंट यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना और अलाउ पे क्लिक कीजिएगा तो उसका यहाँ पर मोबाइल पर यहाँ पर देखते हैं ओटीपी सेंड हो चुका है। तो अब यहाँ पर उसका ओटीपी डाल के आप नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। हम यहाँ पर दोस्तों नहीं कर सकते, हम यहाँ पर बिहार स्टेट से आते हैं तो इस वजह से हम नहीं कर सकते। हम आपको सिर्फ बताने के यहाँ पर कैसे करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइव फोटो भी अटैच लेगा और अपना यहाँ पर आपको फोटो क्लिक करके आप सबमिट कीजिएगा तो आपका यहाँ पर आयुष्मान कार्ड सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर आप जैसे ही अप्लाई हो जाता है पर आपका अप्रूव हो जाता है, यहीं डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, फिर डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, आपके आधार पर ओटीपी जाएगा, आप ओटीपी यहाँ पर डालकर अपना अपना डाउनलोड कर सकते हैं अपना आयुष्मान कार्ड। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपना पीएमजे का न्यू ऐप से अपना आयुष्मान कार्ड इस प्रकार से आप बना सकते हैं और पर इंस्टॉल करके यहाँ पर अपना बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।